हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डी एस स्क्रीन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करने वाले हैं आर पब्लिक स्कूल्स ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट 2022 की सीरीज में, सीरीज नंबर सेकेंड है आपका, जिसमें मेनली मैं बात करूँगा एन सी एफ 2005 के बारे में। इससे पहले मैंने आर टी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल करा रखी है थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड। इस क्वेश्चन में से टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ए पी एस एग्जाम्स में, चाहे वो पी आर टी के लिए हो, चाहे वो टी जी टी के लिए हो, चाहे वो पी जी टी के लिए जा रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे 8 नंबर के। तो ये नंबर कन्फर्म करना दोस्तों इजी है, अपनी स्ट्रेटेजी अब इस तरीके से बनाइएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हम अपनी तैयारी को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। एन सी एफ 2005 हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में आपको यहाँ पे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे सी टेट हो, चाहे यू पी टेट हो, चाहे डी एस एस बी हो, चाहे के वी एस एस हो। सो नाउ इस वीडियो में हम एन सी एफ की बिल्कुल बारीकी को समझेंगे और हर एक सब्जेक्ट में इस एन सी एफ का क्या रोल है ये भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्योंकि एज अ टीचर जिस भी सब्जेक्ट में आप जाते हो उसमें एन सी एफ का अपना अलग रोल है, तो उन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो हम पूरी डिटेल में इससे समझने वाले हैं, इससे भी क्वेश्चन लेकर अंतर देखने। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं एन सी एफ 2005 के बारे में। सो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन आता है, सवाल आता है मन में कि एन सी एफ क्या है, एन सी एफ 2005 क्या है। सो एन सी एफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक ऐसा दस्तावेज है जो एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन या योजना बना सकता है जो उन्हें लगता है कि सभी बच्चों के पास होने चाहिए। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 2002, उसके अलावा 1988 और 1975 में तीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशित कर की थी, नवीनतम एन सी एफ 2005 में प्रकाशित किया गया। दस्तावेज पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम, साथ ही साथ शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो भारतीय स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो एन सी एफ क्या है, एक प्लानिंग है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके की कैरिकुलम एक्टिविटीज़ बुक्स वगैरह लगाई जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लागू किया जाता है, जो कि पहले 2000 में आया था, फिर 1988 में भी आ चुका है, 1975 में भी आ चुका है, और लेटेस्ट जो है फ्रेंड वो है आपका 2005 का। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि ये क्या क्या है और कौन कौन से वर्ष आ चुके हैं, यानी ये आपका ये फोर्थ एन सी एफ है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, कि एन सी एफ 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। तो पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में पाँच बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार है। तो ये एन सी एफ 2005 आया था उसकी 5 प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो सिद्धांत होता है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्लियर हुआ। तो प्रिंसिपल का मतलब है चेंज नहीं होगा कभी भी, सिद्धांत यही होता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहला जो होगा, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना अनिवार्य होगा, यानी जो भी पढ़ाएंगे टीचर उन बच्चों की ना लाइफ से रिलेट करेगा। इसके अलावा सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि छात्र बिना सोचे समझे केवल यांत्रिक रूप से ना सीखे, यानी भाई ऐसा ना हो कि केवल रट लिया और कुछ पता ही नहीं उसके बारे में क्या होता क्या, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके अलावा थर्ड है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना तथा ताकि पाठ्य पुस्तकों से आगे निकल जाए, ठीक है, यानी अपना कैरिकुलम वगैरह ना इम्प्रूव करना। इसके अलावा परीक्षा को और अधिक लचीला बनाने के लिए कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना, समझ में फ्रेंड, यानी जो एग्ज़ाम हो गया ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सीबल होना चाहिए, जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रमुख महत्व की पहचान का पोषण करवाना, यानी अपनी देश के प्रति मतलब चिंता, यानी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या फिर जो भी देश के प्रति प्यार है उसे भाई उसके बारे में भी मॉरल थॉट्स भी बच्चों के अंदर क्या करना, प्रोवाइड करवाना। ये 5 प्रिंसिपल है एन सी एफ 2005 में कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एन सी एफ की मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो बात आती है फिर कि चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, तो बिना किसी दबाव के सीखना ताकि सीखना एक आनंदित अनुभव में बदल जाए, परीक्षा के आधार के रूप में पाठ्यपुस्तकों से दूर हो जाए और तनाव कम रहे, इसने पाठ्यक्रम के पैटर्नों में महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया है। आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत गरिमा की भावना का निर्माण करना जो सामाजिक संबंधों का आधार होगा और पूरे समाज में एकता और अहिंसा की भावना विकसित करेगा। सीखने के लिए एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आने के लिए सार्वभौमिक नामांकन को बढ़ावा देना और 14 साल की उम्र तक प्रतिधारण को बढ़ावा देना, यानी दोस्तों ये जो आपका एन सी एफ 2005 है वो क्या है, बाल केंद्रित है, यानी बच्चों जब बच्चे जैसा पढ़ना चाहते हैं फिर वैसे पढ़ाओ, क्लियर है। और इसके अलावा साथ में है कि सभी को बेटा शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए अप टू 14 ईयर, इसको भी आपको बताइए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन आया था आपका
जिसमें 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। इसके अलावा छात्रों में एकता, लोकतंत्र एवं एकता की भावना भी पैदा करने के लिए, इसके अलावा पी नायल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के 3 स्तंभों के रूप में गुणवत्ता, मात्रा और समानता का वर्णन किया। ध्यान रखें, जो पी के नायल थे वो भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसे के 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात करी थी उन्होंने, गुणवत्ता, मात्रा और समानता के बारे में। सामाजिक संदर्भ के संदर्भ में हाल ही में प्रकाशित पाठ्यक्रम में सुनिश्चित करता है कि सभी स्कूलों में लिंग, धर्म, पंथ और जाति के बावजूद एक मानक ढांचे के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, यानी बिना किसी कास्ट के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी रिलीजन के सभी बच्चों को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। सो ये बात क्लियर होगी फ्रेंड की, भाई कैसा है आपका कॉन्सेप्ट, भाई किस पर केंद्रित है, तो 4 सेंटर पर ही केंद्रित है। अब बात करते हैं इंडिया में NCF का विकास कैसे हुआ। सो देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा टैगोर के निबंधों में से एक सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण के साथ शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रीय पाठ्य जो क्रम है NCF 2005 उसके निबंध से लिया गया है टैगोर के, ठीक है, सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से, जहां कभी हमें याद दिलाता है कि बचपन में उदार आनंद एवं रचनात्मक भावना आवश्यक है, हालांकि एक अविचारिक व्यस्क दुनिया दोनों तत्वों को वर्गीकृत कर सकती है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना की गई है और काफ़ी चर्चा के बाद सितंबर 2005 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसे पारित कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो ये NCF 2005 है कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया है, तो यशपाल कमेटी की अध्यक्षता में बनाया गया है फ्रेंड, ये भी क्लियर होना चाहिए। और NCF 2005 किसके निबंध से लिया गया, तो टैगोर के निबंध से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति, क्लियर हो गया फ्रेंड। तो ये बहुत डिटेल में मैं कोशिश करूँ कि आपको समझा दूँ NCF 2005, क्योंकि ये सारी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, काफ़ी चर्चा के बाद सितंबर 2005 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इसे पारित कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को नियोजित करने पर जोर दिया, ठीक है भाई। इस नीति ने 2 केंद्र प्रायोजित योजना का नेतृत्व किया, कंप्यूटर साक्षरता एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी, यानी 2 मेन योजना बनाई इसके तहत, कंप्यूटर साक्षरता और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। इसके अलावा NCF 4 मुद्दों को संबोधित करता है, कौन कौन से 4 मुद्दे हैं, शैक्षिक अनुभव यानी एक्सपीरियंस, शैक्षिक उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, शिक्षार्थी का आकलन और अनुभव का एक संगठन। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है NCF 2005 के लिए, जबकि पिछले NCF व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित था। NCF 2005 पाठ्यक्रम का आधार रचनावादी सिद्धांत यानी क्रिएटिविटी पर बेस्ड है आपका NCF 2005, क्लियर हो गया। नवीनतम NCF का वर्तमान स्वरूप का और आकार विभिन्न शिष्यों जैसे माता पिता, शिक्षक पाठचर्या एवं NCERT संकाय के प्रसिद्ध विज्ञानों द्वारा गहन विचार विमर्श के माध्यम से उत्पन्न विचारों के भंडारों के कारण है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, NCF 2005 की मुख्य विशेषता क्या है, सामाजिक विज्ञान के रूप में यानी SST में NCF को आप कैसे देखते हैं, इसका क्या उद्देश्य है SST में NCF को लाने का। तो बात करते हैं अनुशासनात्मक मार्करों की पहचान ताकि विषयों की के एकीकरण पर जोर देते हुए सामग्री का क्षरण ना हो। सामाजिक रूप में से वंचित जनजाति एवं समूह के मुद्दों के प्रति लैंगिक समानता एवं संवेदनशीलता को सभी सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों को सूचित किया जाना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बाल श्रम, निक्षरता, गरीबी एवं असमानता, अन्य पहलुओं एवं समालोचनात्मक परीक्षण करें। एक धार्मिक एवं लोकतंत्र समाज में नागरिकों की जिम्मेदारी एवं भूमिका को समझें। इसके साथ साथ यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों के लोग पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हो सकें। तो यहाँ पे मैं ये बात करता कि भाई सामाजिक जितने मुद्दे हों उससे रिलेट किया जाना चाहिए ना, तभी इसका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका NCF 2005 का। यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों के लिए के लोग पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हो सके। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल तत्वों को जोड़ता है। प्राथमिक ध्यान आधुनिक भारत पर होगा ताकि शिक्षार्थियों को राष्ट्र के सामने आने वाली आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों की अधिक सार्थक समझ सके। यानी NCF को SST में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जो बच्चे हैं अपने आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक जो चुनौतियाँ आती है वो क्या होता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए उनको, कि एक देश के सामने, राष्ट्र के सामने कैसी आर्थिक स्थिति है, हमारी सामाजिक कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो इन सबको आसानी से रिलेट कर सके। अब बात करते हैं मैथ में NCF का क्या रोल है। तो गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे वाणिज्य, सांख्यिकी, त्रिकोण मितीय, ज्यामितीय, असंगत गणित, सभ्यता एवं सांख्यिकी अवधारणाओं की समझ सीखे और प्रदर्शन करें। आप परिचित एवं परिचित दोनों स्थितियों में समस्या को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं का प्रयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों
को सही ढंग से चुनकर लागू करे, अमूर्त कल्पना करके समस्याओं को हल करने में छात्रों को तर्क और सोच के लिए प्रेरित करे, विभिन्न प्रकार के गणितीय निरूपण का प्रयोग करे, आरेख, सूत्र, चार्ट, टेबल, मॉडल, ग्राफ आदि। एक निःशुल्क CET मार्क टेस्ट करे। तो मिलनी है कि यहाँ पे भाई किस तरीके से मैथ की वजह से मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इस पे जोर दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड। अब बात करते हैं एनसीईआरटी 2005 विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी साइंस में किस तरीके से लिया गया है, क्यों लिया गया। तो कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और सृजन के लिए प्रतिक्रियाओं और विधियों को समझने के लिए, इसके अलावा विज्ञान का एक विकासात्मक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए, इसके अलावा प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं समाज में इंटरफेस पर वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित सराहना करने के लिए, पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करने के लिए, कुछ मूल्यों का आत्मसात करना जैसे ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण एवं संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच विकसित करना। क्लियर है साइंस का था। अब लास्ट में है कि लैंग्वेज में इसका उद्देश्य क्या है। तो त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का प्रयास करने के लिए, तो सबसे पहले तीन भाषा बच्चों को आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, त्रिभाषा। जनजातीय भाषा सहित अपनी मातृभाषा को संचार का प्राथमिक माध्यम बनाने पर जोड़ दें, यानी जो प्राइमरी लैंग्वेज है मातृभाषा उस बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके लिए बच्चों को अंग्रेजी सहित मातृभाषा के अन्य कई भाषाओं का कुशल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने के महत्व पर जोर दिया, यानी प्राथमिक कक्षाओं में ज़्यादातर भाई मातृभाषा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश करी कि NCERT 2005 को अच्छे से समझा दूँ। आई होप अब आपके यहाँ से क्वेश्चन जितने बनेंगे आप इजीली वे में कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के आने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।